जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको पता चल जाएगा 2024 में, 2015 में भी कर रहे थे। अरे बीजेपी के लोगों को बोलते रहिए, उनको 2024 का इंतजार करना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है, और उनके इस अभियान के खिलाफ हम लोग जन जागरण अभियान पूरे प्रखंड में, आज बिहार के हर प्रखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अरे बीजेपी के लोगों को बोलते रहिए, उनको 2024 का इंतजार करना चाहिए। फोटो मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात होने का। फोटो और प्रमाण मांगने के उनके उन्हीं को है, उनको बोलने दीजिए ना। सुशील मोदी जी तो बेचारे ऐसे ही तिरस्कृत हैं, अब उनको सुन रहे हैं कि प्रदेश का अध्यक्ष बना रहा है, जो 15 साल पहले वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, फिर वहीं पहुंचा दे रहा है, वो अपना देखें। अमित शाह को पता चल जाएगा 2024 में, 2015 में भी कर रहे थे। अमित शाह को पता चल जाएगा 2024 में, 2015 में भी बात कर रहे हैं। देखिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, आने वाले दिनों में जो है केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी जदयू। देखिए लगातार जदयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरीके से मिशन 2024 को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार जो है तमाम जदयू कार्यकर्ता उतर गए हैं सड़कों पर और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। लगातार यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी को देश से उखाड़ के फेंकेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। फिलहाल ललन सिंह ने यह साफ कह दिया है कि 2015 में भी यह दावा करते थे कि नीतीश कुमार का सुफरा साफ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हुआ और 2024 में देख लीजिएगा क्या होगा। देखिए तमाम जदयू के कार्यकर्ता नेता या फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उतर गए हैं सड़कों पर और वहीं भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से निकलकर जो है गांधी मैदान तक जाएंगे। वहीं बता दें आपको कि तमाम कार्यकर्ता भी जो है वो उतरे हुए, एक बार तस्वीर दिखा देना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम जदयू के कार्यकर्ता जो है वो उतरे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश से सफाया कर देंगे, यानी कि मिशन 2024 को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। और ये तस्वीर जो है पटना की है, पटना के हाईकोर्ट के पास भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास की है, जहां पर तमाम जदयू के कार्यकर्ता नेता या फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उतर गए। फिलहाल आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तमाम बातें, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।